के आप बढ़िया स्वागत करिए। कलकत्ता और हावड़ा में 1, 2, 3 जो स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है 50 साल के बाद, सबका 20 साल पहले भी काम हुआ है, 70 साल ये महासभा के चलते हो गया। आया देश में, पूरे देश में इसकी शाखा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारे देश में है। इसलिए निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, मैं विस्तार से भाषण आपको क्या महासभा चाहता है, क्यों ये संगठन चाहता है। तभी इन्होंने कहा बिहार में 1% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, और उसमें 24 जातियां हैं, 33 जातियां हैं, 33 जातियों में 1% क्या मिलने वाला, आप खुद सोच लीजिए। यहाँ पश्चिम बंगाल में 50 साल का जब आप दीजिएगा रहने का प्रमाण, तब आपको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलेगा। आसाम में कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही है सरकार, वहां विश्वकर्मा कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही। यहाँ उड़ीसा में ये बढ़ई या बढ़ई में फर्क होने को अंग्रेजी के शब्द में, वहां देना बैकवर्ड का सर्टिफिकेट देना बंद। उड़ीसा में आपके उत्तर प्रदेश में ये बैकवर्ड में रखा गया है, बैकवर्ड में बड़ी जातियां जो शक्तिशाली जातियां हैं सारे पोस्ट को ही ले जाती, कुछ नहीं मिलने वाला। एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, सबसे बड़ा प्रदेश कौन हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार मध्य प्रदेश, कुछ नहीं। सारे देश में विश्वकर्माओं के लिए हाथ खाली, कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं। आप यही मुख्यमंत्री से मिलेगा ममता बनर्जी से, क्या ये आपके मिल सकती हैं, कब कहीं नहीं मिलेगी, 10 दिन 15 दिन आप हाथ मलते रह जाइएगा, हमारी बात नहीं सुनने को तैयार। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विश्वकर्मा बंधु, आप सारे मतभेदों को थोड़े दिन के लिए स्थगित करके अपनी ताकत को आप 1, 2, 3 मार्च को दिखा दीजिए स्वागत करके। उस दिन पुणे से लेके जम्मू से लेके पांडिचेरी करके विश्वकर्माओं की बात आपको सुनने को मिलेगा। जो दक्षिणी भारत के विश्वकर्मा आएंगे हम दो भाषियां लगा देंगे, क्योंकि उनकी बात आप समझ नहीं पाएंगे, कोई तमिल में, कोई उसमें केरला तमिल में बोलेगा, कोई किसी भाषा में बोलेगा। और जो भी कुरीतियां है समाज में उसे हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस समाज को जितना ज्यादा आगे हम बढ़ा सके इसीलिए हम सबको अपना योगदान आगे देते रहना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की, किसी भी सरकार ने विश्वकर्मा समाज का नामित नहीं किया। ये शिल्पी में इतने लोग आते हैं, लौहकार, काष्टकार, ताम्रकार, शिल्पकार, ये 5-16 जातियां हैं शिल्पकार में, लेकिन किसी का भी नाम नहीं। किसका उसमें होता है, फिल्म एक्ट्रेस का नियुक्ति होती है राज्यसभा, लेकिन शिल्पकार का नहीं होता, संविधान में दिया हुआ। और हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमारे विश्वकर्मा समाज को एमएलसी बनाया जाए, हमारे विश्वकर्मा समाज को चेयरमैन बनाया जाए, टिकट दिया जाए, एमएलए हो एमपी हो, हमारी भागीदारी संसद है। ये अनमेल विवाह है, ये मद निषेध है, ये सारे पर लगाम लगाने का काम हम लोग करते हैं सामाजिक स्तर पर। सारी बुराइयां जो है जिसमें व्याप्त है इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करते हैं सामाजिक स्तर। बाल विवाह, विधवा विवाह, ये बहु विवाह, अनमेल विवाह, दहेज विवाह, ये सारे पर हम लोग कंट्रोल लगाना चाहते हैं। और अभी 55 जोड़ी शादियां सामने अभी कानपुर में हमारे अध्यक्षता में पिछले साल हुई है, और वहीं से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20,000 रुपया लड़की को और 20,000 रुपया जो सामूहिक विवाह में आए 55 जोड़ी हर साल होती है। इसलिए दहेज को रोकने के लिए हम सामूहिक विवाह का प्रचार पूरे देश में जारी किए हुए। कलकत्ता में मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ऐसे हुए विश्वकर्माओं जो चौराहे पर खड़ा हो समझ में नहीं आ रहा है
उत्तर जाए पूरा पश्चिम जाए आठ उन्नीस रहे जग जाओ सचेत हो जाओ संरक्षित हो जाओ और अपनी ताकत को 3 लाख जो हावड़ा और कलकत्ता में जो लोग रहते हैं एक बार ताकत दिखा दें तो श्रीमान जी जो आप कह रहे हैं हमको मिल जाए हमारी मांग पूरी हो जाएगी। ये विश्वकर्मा समाज संरक्षित होने का नाम नहीं ले रहा ये इसी के लिए मैं ये गोल्डन जुबली का जो आयोजन यहाँ खबड़ा में किया हूँ ये सारे विश्वकर्मा एक बार अपनी ताकत को दिखा दें और यही का नहीं पूरे देश के लोगों को आपको लगेगा जब देखेंगे मंच पर वहाँ तब तो समझ जाएंगे कि ये विश्वकर्मा किस तरह से दलित है हम तो सबसे दलित मानते हैं। इस समाज का कमेटियां हमारी है हर प्रदेश में है हर जिले में है जहाँ नहीं है वहां बनाते हैं और संरक्षित होने का वो सब इंजीनियर है वो पूरा विश्व को बनाया है जो लोहकार स्वर्णकार जितना ये सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड अदर सब विश्वकर्मा का आदमी लोग सब बना है लेकिन ये लोग का टाइम थोड़ा कम है क्योंकि इतना बिजी रहता है सरकार का साथ मिलजुल के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कोई दूसरा कुछ हेल्प ये लोग को लेने का टाइम नहीं है इसलिए हम लोग है और हम तो कभी कभी गौतम जी हमको अच्छे से जानता है कभी कभी गौतम जी हमको जैसा बोलता है वैसा हम करने का कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं पहले जो वक्तपुर आपका बोला जो हिंदी भाषी का साथ मिलजुल करके करना है ठीक है लेकिन बंगाल में तो हर भाषा भाषी का आदमी है उसमें हर भाषा भाषी का आदमी का अंदर में विश्वकर्मा समाज है जैसा बंगला में वो स्वर्णकार है रोपोकार है और ऐसे लोहकार है बहुत सारा काम करता है वो भी विश्वकर्मा समाज का आदमी है ये विश्वकर्मा समाज में हम चाहते हैं सब मिलजुल के कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है जैसा हम बंगाली है और वो हिंदी से भी आपसे हम हिंदी में बोलता है लेकिन सबका साथ मिलजुल के हम लोग को जो सोसाइटी है और जो हम लोग का संस्कार है संस्कृत का साथ मिली जुली करके सारा काम करना है किसी के पास ज्यादा सोर्स इन्फ्लुएंस है किसी के पास पैसा इनकम करने का कोई रास्ता नहीं है सबका साथ मिलजुल के सबका विकास करने का हम लोग को मौका होना चाहिए ये विश्वकर्मा समाज को इसी आधार पे कि आपका विश्वकर्मा समाज बहुत साल आगे हमारा चेम्बर में आया तो गंगा सागर मेला करेगा हमारा ठीक है आपका रजिस्टर्ड फॉर्म है तो ये विश्वकर्मा समाज में बहुत सारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है एनजीओ है ट्रस्ट है लेकिन समाज का काम करने के लिए ये सब सोसाइटी और ट्रस्ट चाहिए तो सोसाइटी और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी क्या करना है 3 साल का आगे कोई सरकार का तरफ से कोई हेल्प नहीं देता है हम लोग कोशिश करते हैं उसका आगे सरकार का तरफ से उसका सोर्स पर इन्फ्लुएंस लगा के सारे काम करने का कोशिश करता है जैसा गंगा सागर मेला में बहुत दिन आगे हम विश्वकर्मा समाज का एक टेंट लगा दिया सेवा के लिए फिर गौतम बाबू पूछा गौतम बाबू को बोला जो हम वो आपको सागर में आपको कर देगा तो अभी कई दिन आगे दिसंबर आया हमारे पास हमारा फील एक तो लगाइए लेकिन ऐसा करके विश्वकर्मा समाज अलग अलग कर रहा है काम लेकिन सबका साथ एक साथ पे मिलके निर्णय लेना चाहिए आपके भारतीय विश्वकर्मा महासमाज का जो दायित्व है 50 साल में बहुत कुछ काम किया सबका साथ मिलके इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा विश्वकर्मा समाज जितने भी अलग अलग सेवा कर रहा है सबका साथ मिलजुल करके समाज का सेवा और बाकी जो समाज में जो बैकवर्ड है फॉरवर्ड है क्रिमिनल जो लोग हैं सबका साथ मिलजुल करके ग्रास रूट लेवल को डेवलपमेंट करना चाहिए यही आशा के आज का हमारा जनानियों रईसों 69 में हुआ और तब से अच्छा या बुरा पूरे देश में यह संगठन चल रहा है
और इस संगठन का मकसद क्या है, क्यों ये संगठन की आवश्यकता पड़ी, ये विस्तार से आप एक दो तीन ये मार्च को अगले महीने में जो देश के कोने से कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक उधर पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके इधर आपका बांग्लादेश है, रंगून है, बर्मा है, उसके किनारे तक के जो भारतीय हैं आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आप तो एक बात समझ करके जाइए कि अगर ये गोल्डन जुबली सफल होती है तो केवल विश्वकर्मा शर्मा का नाम नहीं होगा, ये गौतम जी का नाम नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कलकत्ता हमारा वेस्ट बंगाल का नाम होगा। अगर कोई कमी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, आपके स्वागत में कमी रह जाती है तो पूरे देश में इसका खामियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोगों का कहना है पहली बार ये तय हुआ बॉम्बे के मीटिंग में तय हुआ कि रामलीला मैदान दिल्ली में ये गोल्डन जुबली मनाया जाएगा। वहां से तीन निमंत्रण नागपुर का था, सहारनपुर का था, राजकोट गुजरात का था, सारे जगहों का था, लेकिन ये गौतम जी के सुपुत्र दिलीप जी गए थे वहां 23 सितंबर को ताल कटोरा में 5,000 लोगों की भीड़ थी। ताल कटोरा में बहुत बड़ा सम्मेलन हमारे अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद से जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने कहा कि हमारे लोग कलकत्ता के लोग चाहते हैं कि यही कार रजिस्ट्रेशन है, यही गोल्डन जुबली मनाया जाए। हमने सारे लोगों को 100-200 जो हमारे संगठन के लोग थे सबको मैंने समझाया कि एक बार पूरब के इलाके में ये जागृति तो पैदा होगा। अभी हमारी मीटिंग आपके अध्यक्षता में यहाँ कौन सी जगह है दुर्गापुर में हुई, आपका रांची में हुआ, बोकारो में हुआ, टाटा में हुआ, और हमारी मीटिंग लगी हुई है आपका धनबाद में। सारे जगहों में क्यों मैं मीटिंग कर रहा हूं, क्या हमको मिलने वाला है, क्या हम तो एक जागृति पैदा करना चाहते हैं, हम तो एक सत्कारी विश्वकर्मा समाज का एक चाहते हैं। सबसे दलित अगर समाज है इस देश में, 6,00,000 गांव है, 6,000 जातियां हैं इस देश में, 6,00,000 गांव है, 6,00,000 जातियां हैं, उपजातियां गोत्र मिला के 6,000 हैं, और सबसे अगर कमजोर कोई जाति है तो ये विश्वकर्मा समाज आज देश में है। और इस क्यों है, आप देखते हैं कि ये आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घमंड लेकर के ये सारे विश्वकर्मा परेशान एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, भाईचारा नहीं है। इनका काम एक ही है, 90% लोगों का विश्वकर्मा का एक ही काम है, कमाना, खाना और सोना, इसके अलावे और कोई काम नहीं। आपने देखा गुर्जर समाज ने देश को हिला दिया था, ये जाट समाज ने 6 अरब का नुकसान हरियाणा में हुआ, आंदोलन तोड़फाड़ के क्यों वो मान रहे आरक्षण कि हमको जाट को केंद्र ने आरक्षण दिया कि हम भी अब उनके पास सबसे ज्यादा खेती है, सबसे ज्यादा धन है, सबसे बड़ा लाठी है हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो आरक्षण मांग रहे। अब उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, हरियाणा को तोड़ फोड़ तह से नाश कर दिया, गुजर लोगों ने राजस्थान वगैरह में सत्यानाश कर दिया, क्यों क्या कई लोग गुजर मर गए इसी आंदोलन। हमारा विश्वकर्मा समाज सोया हुआ, एक से दूसरे से ईर्ष्या रखता, हम क्या कहते, आपसे क्या मांगने आए। ये कलकत्ता के प्रेस क्लब में हम आपसे बात कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं
कि आप संगठित हो, शक्तिशाली हो। आप भी अपने अधिकार को पर आपका एक भी एमपी, एक भी बिरादरी का एमपी आपका दिल्ली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, आपके बंगाल में एक भी एमएलए नहीं है जिसको कर्मा समाज के दुख दर्द को हटने वाला नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, कोई भी किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कोई भी विश्वकर्मा नहीं है, और आपके कलकत्ता हावड़ा में 3 लाख विश्वकर्मा लोग हैं। 3 लाख विश्वकर्मा लोगों में क्यों, ये सब आपस में लड़ते हैं, सब आपस में ईर्ष्या करते हैं, द्वेष की भावना विश्वकर्मा को जात सर्टिफिकेट नहीं देते, वहाँ बैकवर्ड में है लेकिन देते ही नहीं, कहते आप बाहरी हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के। इसलिए हमारी मांग है, जो भेदभाव हो रहा है हमारे समाज से, सबसे दलित, सबसे गया गुजरा समाज अगर है तो यही है, इसलिए कि सत्ता में कोई भागीदारी हमारी नहीं, इसीलिए हम गोल्डन जुबली यहाँ मना रहे हैं। कौन कौन यहाँ पे आएंगे गोल्डन जुबली में? डॉक्टर पीसी पातंजलि, डॉक्टर पीसी दो यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं, डॉक्टर पीसी पातंजलि आ रहे हैं उद्घाटन, ज्ञानी जैल सिंह के पोता इंद्रजीत सिंह बब्बू आ रहे हैं, वो नेशनल मानवाधिकार, नेशनल राइट्स कमीशन के प्रेजेंटिंग ऑफिसर आ रहे हैं। ऐसे हमारे 6 सत्र हो रहे हैं 3 दिन, फर्स्ट सत्र, सेकेंड सत्र, 2 दिन में, 1 दिन में लगेगा, 6 आदमी हमारे मुख्य और यूँ तो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं अपने विचार को रखने। राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है इतना बड़ा? कोई नहीं, राज्य सरकार कौन पूछने वाला है यहाँ, राज्य सरकार से कौन मदद देने वाला है? आज ये अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब अगर समय मांगे माननीय ममता बनर्जी, हम लोग का कोई जोर दबाव नहीं है, समय नहीं दे सकते, हम लोग तो चाहते थे कि आ करके ममता बनर्जी एक मोदी सबका साथ, हम लोग ये देखना चाहते हैं, वो वही बोलते हैं, वही जानते हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं गोल्डन जुबली यहाँ के लोगों को जगाने के लिए, और सरकार से यही जो ये भी लिख दीजिए, जो हमको सुविधा देगा, जो हमको सत्ता में भागीदारी देगा, उसी को हम कहेंगे कि वोट देंगे, कोई हो पार्टी से लेना देना। मेहंदीलाल शर्मा विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, नई दिल्ली, 1-2-3 मार्च को गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है, उसमें हमारी मांग है कि हमारे विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधित्व एमएलए एमपी राज्यसभा में, और हमारे जात का जो पेशा है, पेशा के आधार पर लड़कों को IIT पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में वरीयता दी जाए, 15% छूट दी जाए एडमिशन में, हमारी यही मांग है सरकार से। और मांग जो है, जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज विवाह, ये हम अपने संगठन के जरिए हम उसको करेंगे, लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि हमको सत्ता में भागीदारी दी जाए, और जाति पैसा है लोहा लकड़ी तांबा पीतल, उसमें हमको छूट दी जाए, जो सामान हम बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, उसको सरकारी नियंत्रण में सरकार ले करके, सरकार उसको नियंत्रण में लेके बेचे, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सब जगहों पर दे, म्यूनिसिपैलिटी में दे, राज्यसभा में दे, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हावड़ा और कलकत्ता में 3 लाख लोग, विश्वकर्मा लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधित्व इन लोगों को नहीं मिला, और मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पार्टी नहीं पूछती, कोई नेता नहीं पूछता, इसलिए हम 1-2-3 गोल्डन जुबली मना रहे हैं, और विस्तार से उसी में देश के कोने कोने से जो 2000 हमारे प्रतिनिधि आएंगे, उनसे हम बात आपको सुनवाएंगे। इस वक्त का जो माहौल है, बिना आरक्षण का तो कुछ मिलने वाला नहीं, हम तो आरक्षण के पक्ष में हैं, और कुछ प्रदेशों में, उत्तर बिहार में अनुसूचित जनजाति में है, आपके पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में है,
लेकिन 50 साल 60 साल पुराने इसके सबूत देने पर ये सर्टिफिकेट मिलता है। और अन्य प्रदेशों में कहीं बैकवर्ड में है, कहीं सामान्य में है, पहाड़ी इलाकों में अनुसूचित जाति में है, आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ अनुसूचित जात में है ये विश्वकर्मा लोग, और ट्रेन में एक रूपता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे देश में एक हमारी हो, आसाम में जात। पूरा देश समझ